आपका टॉपिक है आज का लिक्विड्स। लिक्विड इज़ वन ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर। हम लिक्विड की कुछ प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। जो सबसे कॉमन पढ़ी जाती हैं वो है वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डैपल मोमेंट एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। ये सारी वो प्रॉपर्टीज़ हैं विच आर एसोसिएट विद लिक्विड्स। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है जो हम पढ़ेंगे। वन बाय वन हम इनमें से देखेंगे। सबसे पहले तो आपके पास आता है कि जब भी हमने लिक्विड को स्टडी करना है तो उससे पहले कुछ डेफिनेशंस को हम देखते हैं, जिसके अंदर आप पढ़ते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़ टाइप, उनकी टाइप्स हैं आपके पास, जो डिपेंड करती हैं कि जो भी कंपाउंड आप ले रहे हो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी कॉम्पोजिशन कैसी है। कॉम्पोजिशन मीन्स उनकी अरेंजमेंट क्या है, स्ट्रक्चर मीन्स उनका किस फॉर्मेट में उनको प्लेस किया गया है। उसके बाद टाइप्स हैं फॉर प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ की टाइप्स हैं, इनकी हमने से डेफिनेशन देखनी है। टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ में आपके पास आ जाती हैं एडिटिव प्रॉपर्टीज़, कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज़, देन एडिटिव एंड कॉन्स्टिट्यूटिव, और लास्ट वन इज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सबकी डेफिनेशन वन बाई वन देखते हैं। सबसे पहले एडिटिव। एडिटिव का नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कोई चीज़ ऐड होगी, तो इसका मतलब ये वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं विच आर कंसर्न विद इंडिविजुअल एटम्स। हर एटम की अपनी अपनी ये प्रॉपर्टी होती है। दीज प्रॉपर्टीज डू नॉट चेंज नो मैटर इन विच फिजिकल एंड केमिकल स्टेट दे एग्जिस्ट। ये प्रॉपर्टीज़ हर एटम की अपनी ज़ाती इंडिविजुअल की है, तो इसका मतलब जो मर्जी स्टेट ऑफ मैटर आ जाए ये नहीं बदलती। फॉर एग्जाम्पल, मैस एंड वेट ऑफ एन एटम डू नॉट चेंज। अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, पानी को ही ले लेते हैं, वाटर में, वाटर में हाइड्रोजन का वेट आपके पास कितना होता है? टू। आप उसे बॉयल अप कर दोगे तब भी उसका वेट रहेगा टू। आप उसे सॉलिड फॉर्म में ले जाओगे तब भी रहेगा उसका टू। तो दैट मीन्स आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ जो इंडिविजुअल एटम्स की होती हैं वो वेरी नहीं करती, डिपेंड नहीं करती कि क्या स्टेट आपके पास रही, वो सेम रहती हैं। तो इसकी एग्जांपल है मैस एंड वेट। ठीक है, अगर हमने किसी भी कंपाउंड का वाटर का इकट्ठा कंबाइन हमने निकालना हो, उसका वेट निकालना हो, तो हम क्या करते हैं? वाटर का फॉर्मूला H2O है, तो H2O 2 + 16, तो टोटल उसका 18 आ गया। तो वी कैन फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस बाय सिंपली एडिंग द एटॉमिक वेट ऑफ प्रेजेंट इन द न्यूक्लाई द मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। अगर हमने किसी पूरे कंपाउंड की निकालनी है, पूरे मॉलिक्यूल की निकालनी है, तो हम उसको ऐड अप करके निकाल सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपने याद करनी है। सबसे पहले आप डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद इसमें एग्जाम्पल आ जाएगी मैस, वेट, एंड वन मोर एग्जाम्पल इज रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी भी हर आइटम की अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। इट इज़ ऑल्सो टर्म एज एडिटिव प्रॉपर्टी। देन आती है कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी। कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी बेसिकली वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स पर डिपेंड करती हैं, कि उनकी आपस में अरेंजमेंट कैसी है, वो एक दूसरे से लिंक कैसे हुए हुए हैं। तो इस टर्म इन प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज। द प्रॉपर्टीज विच इंटायरली डिपेंड्स अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल आर टर्म एज कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज़ उनकी तादाद पे डिपेंड नहीं करती हैं कि वो कितने मॉलिक्यूल्स, कितने एटम्स अरेंज हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास इसमें जो प्रॉपर्टीज़ हम स्टडी करते हैं, जो प्रॉपर्टीज हम इसमें स्टडी करते हैं वो हैं वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, डायपल मोमेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये सारी प्रॉपर्टीज़ वो हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करती हैं, उनके नंबर्स कितने हैं, तादाद में कितने हैं, लेकिन ये डिपेंड करती है मॉलिक्यूल्स अरेंज कैसे हुए हैं। ठीक है, तो जैसे अगर सिंपल से एग्जांपल हम विस्कोसिटी को लेते हैं, विस्कोसिटी आपके पास क्या होती है? आपने शहद को देखा हुआ है, शहद अगर आप किसी चीज़ में डाल रहे हो तो आपके पास लेयर बाय लेयर उतरता है। ठीक है तो वो लिक्विड ही, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपके पास इतनी हाईली बॉन्डेड होती हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इतनी स्ट्रॉन्ग हैं, तो उसकी शेप ऐसी होती है। इसके कंपैरिजन में आप पानी को ले लो, तो पानी तो आप जैसे किसी में डालोगे तो वो फ़ौरन से उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो लेयर बाय लेयर तो नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या होता है? ये कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज़ डिपेंड अपॉन द अरेंजमेंट, वो किस तरह के एक दूसरे से मॉलिक्यूल अटैच कैसे हैं एक दूसरे के साथ। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ कॉन्स्टिट्यूटिव हैं। इसके बाद आता है एडिटिव एंड कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज़। ये वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसमें बोथ करेक्टर होता है, उसमें एडिटिव भी होता है और कॉन्स्टिट्यूटिव भी होता है। लेकिन आपके पास अगर डिफाइन करना पड़े तो आप कहोगे दीज आर द एडिटिव प्रॉपर्टीज, सच एडिटिव प्रॉपर्टीज विच आर मॉडिफाइड द मैनर इन विच द एटम्स आर लिंक्ड। ये एडिटिव तो हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? पैराकर, रियोकर, पोलराइजेशन। पैराकर वैल्यू जो रिलेट करती है वो सरफेस टेंशन से, रियोकर रिलेट करती है विस्कोसिटी से। तो ये दो प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो एडिटिव भी हैं, ऑन द सेम टाइम दे एक्ट एज कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी, मीन्स उनका नंबर पार्टिकल्स पे भी डिपेंड कर रही हैं और साथ साथ अरेंजमेंट पे डिपेंड्स कर रही हैं। उसके बाद आ जाते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं।
ये इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती कि आपके पास स्ट्रक्चर क्या है और वो चीज़ क्या है, ठीक है। दे दस ओनली डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और इनकी तादाद जो आपके पास है वो फोर टाइप्स की हैं: लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं कॉलिगेटिव में आती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं आपको क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, तो आप इन सारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करोगे: एडिटिव, कॉन्स्टिट्यूटिव, एडिटिव प्लस कॉन्स्टिट्यूटिव एंड कॉलिगेटिव। इस वक्त जो हमने स्टडी करना है आपके कोर्स आउटलाइन में वो है सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, पैराकर एंड डी ऑकर्स। ये प्रॉपर्टीज हम लिक्विड की हम स्टडी करेंगे।